हाई एवरी वन आई एम अदिति राना एंड टुडेज टॉपिक इज सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट विच इज़ बाय लेव वाइगोस्की बेसिकली ही वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हु वॉज बोर्न इन द ईयर एटीन नाइन्टी सिक्स अकॉर्डिंग टू वाइगॉसकी जब बच्चा पैदा होता है यानी कि उसकी बर्थ होती है फिर वो एक फैमिली का हिस्सा बन जाता है और फैमिली सबसे छोटा सोसाइटी का रूप है या सबसे स्मॉल एंड फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल लर्निंग है ओके okay, तो उसके बाद वो सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है जब वो स्कूल जाने लगता है आस पड़ोस में जाने लगता है फ्रेंड्स बनाने लगता है और सोसाइटी से वो क्या सीखता है वहाँ का कल्चर सीखता है वहाँ की लैंग्वेज सीखता है वहाँ का ड्रेसिंग स्टाइल फूड हैबिट्स वो सब वहाँ से एक्वायर करता है ओके okay, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है सपोज करिए बच्चा नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ तो उसकी जो फूड हैबिट्स हैं उसका ड्रेसिंग सेंस है उसकी लैंग्वेज है कल्चर है वो वहाँ से अफेक्ट होगा जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे इडली सांभर रखा है ना बट अगर बच्चा नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ तो वहाँ की फूड हैबिट्स वहाँ का ड्रेसिंग सेंस वहाँ की लैंग्वेज और वहाँ का कल्चर उसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा क्योंकि बच्चा है वो अपनी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है नेक्स्ट फ्राम वेअर चाइल्ड एक्वायर हिज मैक्सिमम बिहेवियर जब बच्चा पैदा होता है फैमिली का हिस्सा बनता है तो वो सबसे ज़्यादा जो सीखता है वो अपनी माँ से सीखता है चाहे वो उन्हें कॉपी करके सीखे या उसकी मदर उसे ट्रेन करे कि बेटा इस तरीके से खाना चाहिए ये आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं ये सही है ये गलत है आपको सामने वालों को रिस्पेक्ट देना चाहिए एल्डर पीपल को अपने साथ वालों के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए ये सारी जो डिटेल्स हैं ये सारी जो नॉलेज है बच्चा कहाँ से एक्वायर करता है वो अपनी फर्स्ट टीचर यानी कि अपनी मदर से एक्वायर करता है अकॉर्डिंग टू Vygotsky सोशल interaction यानी कि जब हम सामाजिक संपर्क करते हैं तो सोसाइटी में बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं एक होते हैं लेस नॉलेजेबल पर्सन यानी कि कम ज्ञान और कम अनुभव वाले यानी कि स्टूडेंट्स या बच्चे सेकंड होते हैं हमारे एम है. के ओ ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है एम के ओ स्टैंड फॉर मोर नॉलेजेबल पर्सन यानी कि वो लोग जिनके पास हमसे ज़्यादा ज्ञान है या ज़्यादा अनुभव है यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं हमारे टीचर्स हैं और कई बार हमारे पीयर्स हैं यानी कि हम उम्र साथी हैं जो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं हो सकता है फील्ड अलग हो लेकिन वो नॉलेजेबल है हम उनके साथ टाइम स्पेंड करके कुछ सीख सकते हैं मीन्स वॉट एवर चाइल्ड लर्न इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉपरेटिव प्रोसेस एंड सोसाइटी यहाँ पे कॉपरेटिव प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ये देखिए बच्चा कुछ भी लर्न कर रहा है कुछ भी नया सीख रहा है वो क्या है वो एक्चुअली रिजल्ट है उस प्रोसेस का जो उसने समाज के साथ यानी सोसाइटी के साथ मिलजुल कर वर्क कर कर टास्क कर कर कोई चीज़ कर कर सीखी है ठीक है नेक्स्ट हु आर चाइल्ड सोशल पार्टनर चाइल्ड के सोशल पार्टनर कौन है उसके पेरेंट्स उसके टीचर्स उसके पीयर्स यानी कि हम उम्र साथ ही उसके माता पिता और उसकी टीचर्स उसके सोशल पार्टनर हैं जिनसे वो कुछ सीखता है जिनके साथ कोई एक्टिविटी करके फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर के साथ आइडेंटिफाई द फ्रूट्स या आइडेंटिफाई पिक्चर्स इस तरह की एक्टिविटी करके वो कुछ सीखा ठीक है या अपने साथ के बच्चों के साथ वो कुछ सीखा या अपने पेरेंट्स से कुछ नया करना सीखा तो ये सब क्या है सोसाइटी के साथ रह के सीखना इसलिए सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में अकॉर्डिंग टू वेगॉस की इन शॉर्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट लर्निंग प्रोसेस इज हेल्ड बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ मोर नॉलेजेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी यानी अगर शॉर्ट में कहें जैसा कि अभी हमने देखा कभी भी कोई लर्निंग प्रोसेस होती है तो वो कब होती है जब अच्छा किसी ऐसे इंसान से मिलता है जिसके पास उससे ज़्यादा नॉलेज हो आप उसी से तो सीख सकते हो जिसे आपसे ज़्यादा पता हो है ना सपोज करिए किसी को ट्वेल्थ तक टेबल्स आती हैं तो आप उससे सीख सकते हो आपको टेन तक आती हैं अगर आप उससे नहीं सीख सकते जिससे सिर्फ टू का टेबल आता है यानी कि अगर कुछ सीखना है नया तो ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जिन्हें हमसे ज़्यादा आता हो ठीक है यहाँ पे एक एग्जांपल है एक 12 ईयर ओल्ड बॉय है अगर उसके फ्रेंड सर्कल में कुछ बॉयज हैं जो 10 और 20 एज ग्रुप के बीच के हैं तो उन लोगों से वो कुछ नया सीख सकता है फॉर एग्जांपल कैरियर वाइज कुछ गाइडलाइंस ले सकता है या उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकता है अकॉर्डिंग टू वाइगोसकी लैंग्वेज इज अ सोशल कॉन्सेप्ट यानी कि भाषा एक सामाजिक अवधारणा है लैंग्वेज वर्क एज अ टूल इन अवर कॉमेटिव डेवलपमेंट लैंग्वेज एक औजार की तरह काम करती है हमारे मानसिक विकास के लिए जिसके पास जितना वोकेबलरी होगी उतनी अच्छी उसकी लैंग्वेज होगी उसकी कमांड होगी और उतना इम्प्रेसिव उसकी पर्सनालिटी होगी और इससे आपका मेंटल लेवल भी बढ़ता है जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा शब्द होंगे आपके पास खुद को बेटर तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए ठीक है नेक्स्ट लैंग्वेज ऑफ द सोसाइटी इन विच वी आर बोर्न इज द मदर टंग एंड फर्स्ट लैंग्वेज जिस भी सोसाइटी में जिस भी समाज में हम पैदा होते हैं वहाँ की लैंग्वेज ही हमारी मदर टंग होती है और हमारी लैंग्वेज वन होती है फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब में पैदा हुए तो पंजाबी तमिल में पैदा हुए तो तेलुगु इस तरीके से जहाँ पैदा हुए हरियाणा में तो हरियाणवी जहाँ पैदा हुए वहाँ की जो लैंग्वेज है वही हमारी मदर टंग है और हमारी लैंग्वेज वन है इन शॉर्ट जब भी डेफिनेशन में समाज दिखाई दे इस तरीके के कॉन्सेप्टों के लैंग्वेज के डेवलपमेंट में सोसाइटी का बहुत रोल है ह्यूमन डेवलपमेंट डेवल्ट्में, में चाइल्ड डेवलपमेंट में सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है हर चीज़ में सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है तो डेफिनेट ही है कि वो बात ज़रूर वाइगॉस्की ने कहा होगा क्योंकि इन्होंने दिया है सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट यानी इन्होंने सोसाइटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट माना है बच्चे के ऊपर तो आइज़ क्लोज करके वाइगॉस्की को टिक कर दें नेक्स्ट इज़ जेड पी डी ए डी एंड पी डी सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे और फिर इन तीनों कॉन्सेप्ट को ए डी बच्चे का जो एक्चुअल डेवलपमेंट है यानी वो वर्क जो हम स्वयं कर लेते हैं बिना किसी की हेल्प के जो काम बच्चा खुद से कर लेता है वो उसका एक्चुअल डेवलपमेंट है ओके नेक्स्ट इज पोटेंशियल डेवलपमेंट जिस वर्क को बच्चा शुरू तो कर देता है लेकिन उसे नहीं पता कि इसे फिनिश कैसे करना है उसे ज़रूरत होती है किसी की हेल्प की तो वो आपका होता है पोटेंशियल डेवलपमेंट ठीक है तो जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है वो आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट है आपके अंदर क्षमता है इतनी कैपेसिटी है इतनी टैलेंट है कि आप वहाँ तक पहुँच सको लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी हेल्प चाहिए आप खुद से सिंगर नहीं बन सकते आपको ट्रेनिंग चाहिए खुद से डांसर नहीं बन सकते आपको एक ट्रेनर चाहिए हर चीज़ के लिए थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होती है ठीक है तो ए डी तो वो एक्चुअल डेवलपमेंट है जहाँ तक आपने खुद से कर लिया लेकिन पी डी यानी पोटेंशियल डेवलपमेंट तक पहुँचने में अभी टाइम है पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या है आपका फाइनल गोल अचीव करना है जितना टैलेंट है सब बाहर निकालना है अचीव करना है अब बात करते हैं जेड पी डी क्या है जेड पी डी इज एक्चुअली द गैप बिटवीन एक्चुअल डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट जो बच्चे का डेवलपमेंट हो चुका है और जितना हो सकता है उसके बीच का जो गैप है ये यहाँ पे आपको ब्लू एरिया जो दिखाई दे रहा है है ना और वहां पे लिखा भी है जेड पी डी वही आपका है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ठीक है नेक्स्ट इज स्काफ फोल्डिंग स्काफ फोल्डिंग वर्ड है यानी कि ये टर्म दिया है जिरोमी ब्रूनर ने ओके okay? इसका मतलब होता है हेल्प या सपोर्ट यानी कि मदद करना बच्चे की या उसे सपोर्ट देना और ये हेल्प और सपोर्ट हमें कहाँ से मिलता है ये हमें मिलता है एम के ओ यानी कि मोर नॉलेजेबल पर्सन से जो कि हो सकते हैं आपके पेरेंट्स आपके टीचर या फिर आपके पीयर्स जो आपके साथ पढ़ते हैं वो लोग हो सकते हैं जो थोड़े इंटेलिजेंट हैं ठीक है ये टेम्प्रेरी नेचर होता है यानी कि ये तब दिया जाता है जब इसकी ज़रूरत होती है यहाँ पे जो इमेज दिया है यानी कि गर्ल स्काफ़ उसका इससे दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे स्काफ फोल्डिंग का मतलब है वो हेल्प वो सपोर्ट जो हमें अपने सोसाइटी के इंटेलिजेंट लोगों से यानी कि मोर नॉलेजेबल पर्सन से मिलता है उसी को कहते हैं स्काफ फोल्डिंग इसका नेचर टेम्प्रेरी है यानी कि सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही इसे दिया जाता है तो बेसिकली यहाँ पे इमेज इसलिए दिया ताकि आप इस वर्ड को रिलेट करके याद कर सकें एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि एक बच्चा है वो स्काफ को फोल्ड नहीं कर पा रहा है तो उसने अपने पेरेंट्स की हेल्प ली तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि स्काफ फोल्डिंग का मतलब है हेल्प या सपोर्ट लेना चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से स्काफ फोल्डिंग को अच्छे से समझते हैं सपोज करिए आपने बच्चे से पूछा हाउ मेनी लेग स्पाइडर हैज स्पाइडर के कितने पैर होते हैं मकड़ी के अब बच्चा कन्फ्यूज़ हो गया कितने होते हैं तो आपने उसे छोटी सी हिंट दे दी कि देखो एक इवन नंबर है जो फाइव से बड़ा है और टेन से छोटा है तो अब बच्चे के लिए बहुत इजी हो गया फाइव से बड़ा इवन नंबर है सिक्स और टेन से छोटा इवन नंबर है एट यानी कि या तो स्पाइडर के लेग एट हो सकते हैं या फिर सिक्स हो सकते हैं तो आपने उसे दो ऑप्शन दे दिए ना हिंट दे दी हिंट दे दी या ऑप्शन दे दिए तो अब बच्चे के लिए आंसर करना ईजी हो गया या फिर सपोज आपने एग्जाम्पल दे दिया आपने बाकी इंसेक्ट्स का एग्जाम्पल दे दिया जिनके सिक्स या एट लैग हैं तो उससे रिलेट करके बच्चे को थोड़ी हेल्प मिल गई ओके okay? या फिर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज ही इजी कर दी फॉर एग्जाम्पल सपोज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नानी की बेटी की बेटी का नाम बताओ तो आप नहीं बता पाओगे है ना आप एक बार को कंफ्यूज हो जाओगे लेकिन नानी की बेटी यानी आपकी मदर और उनकी बेटी यानी कि आप अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं, इजी लैंग्वेज में कि व्हाट इज योर नेम तो तो बता दोगे सो दिस इज स्काफ फोल्डिंग यानी कि टीचर बच्चों को हिंट देता है ऑप्शन देता है कभी कभी एग्जाम्पल देता है या फिर क्वेश्चन को घुमा के ईजी लैंग्वेज करके पूछ लेता है ठीक है दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए हो